दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं जिनकी खूबसूरती पूरी दुनिया के लोगों को खींच लाती है, लेकिन इनमें से एक अलग और अद्भुत प्रदेश है अंडमान और निकोबार, जिसकी तुलना सिर्फ एक जन्नत से की जा सकती है। हम आपको इसकी खूबसूरती के साथ साथ इससे जुड़े कई तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 527 द्वीप है, जिनमें से करीब 38 द्वीपों में ही लोगों का बसेरा है। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ का 90% भाग जंगलों से घिरा हुआ है और बेहद चर्चित होने के बावजूद भी इस आइलैंड पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान अभी भी नहीं पहुँच पाया है। इनमें से एक खतरनाक आइलैंड है नॉर्थ शेटलैंड आइलैंड, जहाँ इंसानों का जाना मना है। इस द्वीप को पन्ने की द्वीप से भी जाना जाता है, जिसकी वजह है इस आयरलैंड में बसे पशु पक्षी, जीव जंतुओं की दुनिया और यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों, सालों भर यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का भी मजा आप यहाँ ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक लोकप्रिय तट है राधानगर समुद्र तट। यह एशिया का सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट है और दुनिया का 7वां सबसे अच्छा समुद्र तट। इस बीच का पानी वास्तव में नीले रंग की है और आपको इस बीच पर कछुए, डॉल्फिन और बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों, अंग्रेजी शासन काल में अंडमान निकोबार काला पानी की सजा के नाम से मशहूर था। अगर आप सूर्यास्त के नज़दीक शानदार नज़ारों को देखना चाहते हैं तो आप यहां का चिड़िया टापू घूम सकते हैं। अंडमान में सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं पाया जाता है। अंडमान तितलियों के लिए भी मशहूर है। यहां तितलियां खूब देखने को मिलेगी आपको। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है, जो कि यहाँ के पेरन द्वीप पर है। दोस्तों, यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से है, जो बाहरी लोगों से मिलनसार नहीं होते। ये लोग बाहर से आए लोगों से घुलना मिलना नहीं जानते। यहाँ कॉमर्शियल फिशिंग बैन है, इस वजह से यहाँ की मछलियों को उम्र पूरी करके मरने का अवसर मिलता है। अंडमान की खान पान में ज़्यादातर समुद्री जीव शामिल होते हैं। हालांकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ खाने पीने की लगभग सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर यहाँ की भाषा की बात की जाए तो ज़्यादातर बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषा भी यहाँ बोली जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।